नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। मानव हृदय ह्यूमन हार्ट साइंस का लेक्चर नंबर 10 है आप लोगों के आगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन का जो मेन पॉइंट है, मतलब मुख्य स्थान है जहाँ से ब्लड का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, इंटरचेंज होता है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड भी अपनी दिशाएं बदलते हैं, और किस प्रकार से हमारे शरीर से ब्लड इकट्ठा होकर हृदय तक पहुंचता है, और हृदय फिर उसको दोबारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना जबरदस्त कार्य है हमारे हृदय का। इसीलिए तो हमारे शरीर का एक ना थकने वाला एक ऐसा अंग है जो कि हमारे जीवन काल तक कभी भी आराम नहीं करता है ना। और इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे क्वेश्चन बहुत सीधे होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ज़बरदस्त होती है। और इस लेक्चर के बाद आप लोगों को करीब 80 क्वेश्चन दिखेंगे सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी इस कन्फ्यूज़न को चेक करेंगे कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ में आया। ह्यूमन हार्ट जो कि हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहलाता है, हमारे शरीर में इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो पहुँचाना, और पंप करता है इसके करीब एक दिन में। आदर्श रूप से तो जो हेल्दी पर्सन है उसका 70 से 72 बार हृदय धड़कता है, मतलब एक दिन में करीब 1,00,000 बार के आसपास हमारा हृदय धड़कता है। पूरे जीवन में करीब 1,00,000,000 बार से ज़्यादा हमारा हृदय पंपिंग करता है, धड़कता है, और जो दो धड़कन के बीच का जो समय होता है उसी उतना ही आराम करता है हृदय बस, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम है कि अगर जहाँ भी इसमें अगर 5 मिनट भी हमारे हृदय को हमारे हृदय सही से कार्य नहीं कर पाता है तो हमें अव्यवस्था या हमारी जान को खतरा बन पाता है। ठीक है, तो चलिए इसी को लेकर शुरू करते हैं। आपके सामने चित्र भी रहेंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हृदय की क्या फंक्शन है, किस तरीके से क्या कार्य है। जो मानव हृदय है, जो हम लोग हैं, जो पक्षी हैं, इन सबका 4 हिस्सों में हृदय को हम बांट सकते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर वाले हार्ट भी होते हैं, 3 चैम्बर वाले हार्ट भी होते हैं अलग 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 प्रजातियों के, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह में 3 चैम्बर के हार्ट होते हाँ होते हैं, जैसे मछली में, फिश में 2 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। तो हम जिस हार्ट को पढ़ने जा रहे हो 4 चैम्बर का हार्ट है। तो 4 चैम्बर का हार्ट देखने से पहले आप ये देख लीजिए, आदर्श रूप से इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लगाया हुआ है, ये तो NCERT की ही इमेज है, कि इसमें या थोड़ा सा आपको देखने में जटिल लग रहा होगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी देख लो कि ये 4 इस तरह का एक स्क्वायर बॉक्स बना लो, उसको 4 हिस्सों बांट दो। हमारे शरीर में 4, हमारे हृदय में मुख्य रूप से 4 बड़े तहखाने हैं, 4 बड़े बॉक्सेस हैं, है ना। इन्हीं जगहों से, कुछ नसों से ये रक्त बहता है और हमारे शरीर को लगातार ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई करता है। इसमें मैं समझाने की पहले कोशिश करूँगा, पहले इसको आप और थोड़ा सा देख सकते हैं। ये जो पिक्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। देखने में बहुत ईजी लगता है, इसको बार बार आपको विजुलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो मैं चीज़ें बताऊँगा उसको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। इसमें जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, वो ब्लू कलर दिखा रहा है कि इन जगहों पे अभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इम्प्योर अशुद्ध जो रक्त है वो ट्रेवल हो रहा है, और जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो शुद्ध ऑक्सीजन से लगा हुआ जो रक्त है वो पहुंच रहा है। तो आपको पता है कि जो हमारे शरीर में हार्ट जो ब्लड छोड़ता है नीचे की पूरे अंगों को तक पहुंचाता है, वो उसमें ऑक्सीजन होता है ना, क्योंकि हमारे सारे अंगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो रेड कलर से हम शो कर रहे हैं। और वहां से जब वापसी ब्लड आता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, फिर वो सारा ब्लड आता है हृदय के रास्ते ही, देखो आया हुआ है हृदय के रास्ते ही, और वो फिर हमारे फुफ्फुस मतलब लंग्स तक पहुँचता है, और लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन सूंघी हुई है वो ऑक्सीजन फिर इंटरचेंज होता है, ये सिस्टम काम करता है। तो मतलब हार्ट के अंदर आप देखेंगे तो इम्प्योर दोनों ब्लड सर्कुलेट करते रहते हैं उस टाइम पे, है ना। और ये पूरा ये लंग्स के साथ कोरिलेशन करके कार्य करता है। तो हार्ट को अगर देखें ना, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है बेसिकली 250 से 300 ग्राम के बीच का होता है, जो हमारा ये इतना हिस्सा है ना हमारे पाम का, इस तरह से मुट्ठी, ये एक इतना बड़ा हार्ट होता है लगभग, है ना, इसी तरह सिखाते हैं, इतना बड़ा हार्ट होता है। और फीमेल्स का हार्ट थोड़ा सा उसका साइज छोटा होता है, 250 ग्राम के आसपास होता है, और जो मेल होता है उसका अगर 300 ग्राम के आसपास होता है, वेरिएशन लगभग इतना ही होता है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें होती है, इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो खून बहता है हमारे शरीर में किन किन चीज़ों में बहता है, वो मुख्य रूप से हम साधारण भाषा में बोलते हैं नसें, है ना। तो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बांटते हैं, एक होती धमनियां जिसको अर्टरी बोलते हैं, एक होती है वेन्स, है ना, वेन्स जो आपको पूरी हरी हरी आपको पूरी शिराएं जिसको बोलते हैं, और एक होती है ब्लड वेसल जो पतली पतली
मतलब होती है उनमें, उनके अगल बगल मसल्स नहीं होती, बहुत मोटी नहीं होती, वो थिक नहीं होती हैं। वो जो शिराएं होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती, थिक होती हैं, और जो अर्टरी होती है वो काफ़ी मोटी होती हैं, है ना। तो इसी हिसाब से जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है वो धमनियों में सबसे ज़्यादा होता है, अर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है। कभी क्वेश्चन आए तो एक एक पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में हम सब कुछ दोबारा रिवाइज तो कर ही लेंगे। तो अब इसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ, आप चाहे हिंदी वाला देखिए चाहे इंग्लिश वाला। हिंदी वाला अगर देखना, पहले इंग्लिश वाला ही देख लेते हैं। ये देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा पहले एक सिंपल तरीके से। यहाँ पे दो प्रमुख जो बड़ी बड़ी नसें हैं उसको लेके चलते हैं। शिराओं की अगर बात करें, जहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, जो जो शिराएं होती हैं उसमें जो सबसे सबसे जो बड़ी शिरा होती है वो होती है इन्फीरियर वेन केवा। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेन केवा। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखो, वेन केवा ही बोलते हैं या महाशिरा बोलते हैं इसको। ये नीचे से हमारे शरीर के निचले हिस्से से सारा इम्प्योर अशुद्ध रक्त लेके आती है। उसी तरह दूसरी, इसी तरह एक और वेन केवा होती है, सुपीरियर वेन केवा बोलते हैं इसको। ये सबसे लंबी वेन केवा, ये सबसे लंबी शिरा होती है, और ये हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से इम्प्योर रक्त को लेके आती है। कहाँ पे? हृदय में। अब जैसा मैंने बताया था हृदय के हैं चार चार अड्डे, चार भाग, हमारे हृदय के चार चैम्बर हैं। तो इसमें देखो, इन चार चैम्बर के नाम पहले मैं दे दूँ। ये पहला चैम्बर है, ठीक। ये वाला हिस्सा दूसरा चैम्बर है, ये आपका तीसरा चैम्बर है, और ये आपका चौथा चैम्बर है। ये लेक्चर अगर आप लोगों ने आसानी से देख लिया तो मस्त काम खत्म। और हर चैम्बर के बीच में आपको कुछ मिलेंगे ढक्कन, है ना, डब्बे, मतलब ढक्कन के बाद कवर लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं वॉल्व। वॉल्व घर पे भी यूज़ करते ना, पानी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। वॉल्व मतलब कोई फ्लो को डायरेक्शन देने के लिए, है ना। तो इसी तरह जगह जगह यहाँ पे वॉल्व होते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे पहले चार तो चैम्बर हैं और चार ही वॉल्व हैं। कितने वाल्व हैं? चार वाल्व हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे। अब देखिए ब्लड जो फ्लो होता है ना वो इसी प्रकार से होता है। अब इसमें देखिए क्या सिस्टम फॉलो होता है। सबसे पहले ये इन्फीरियर वेन केवा और सुपीरियर वेन केवा, जो मतलब महाशिराएं हैं, ये जो मेन मोटी नस है जो कि हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध मतलब इम्प्योर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके आ रही है। और वो सबसे पहले रक्त पहुंचा राइट आर्टेरिया, मतलब दायां आलिंद, दायां आलिंद, राइट आर्टियम। तो देखो पहले इसका नाम ही मैं बता दूं, जो सबसे पहला चैम्बर है इसे बोलेंगे राइट आर्टियम, उसके जस्ट नीचे राइट वेंट्रिकल, फिर इधर लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बोले तो दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, मतलब ऊपर वाले हिस्से को निलय बोलते हैं, सॉरी ऊपर वाले हिस्से को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को निलय बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को निलय बोलते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले हिस्से को आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल बोलते हैं, आर्टियम वेंट्रिकल, ठीक है जी। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान शांत रहिएगा बिल्कुल। अब सबसे पहले इम्प्योर ब्लड इन नसों से, बड़ी नसों से, सिराओं से पहुंचा राइट आर्टरियम में, ठीक है, पहले अड्डे पहुंच गया, पहले कमरे में। यहाँ से अब देखो, जैसे ही पहले कमरे से बाहर निकला ना, यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ वाल्व मतलब एक दरवाजा लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। वाल्व मतलब दरवाजा, समझ लीजिए। ये दरवाजा ऐसा है कि ये ऊपर से ब्लड नीचे तो आने देगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। नीचे से कोई ब्लड ऊपर की ओर नहीं जा सकता, बंद कर देगा दरवाजा। वो ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता, मतलब राइट आर्टरियम से या दाएं आलिंद से ब्लड नीचे आया दाएं निलय में, और जैसे ही ब्लड आ गया ये बिल्कुल दरवाजे की तरह बंद रखेगा। मतलब इस राइट वेंट्रिकल में नीचे आने के बाद ब्लड अब दोबारा ऊपर की ओर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एक मिनट, अब देखिए यहां हो गया। अब इसके बगल में ही, इसके बगल में एक दरवाजा, चोर दरवाजा बना हुआ है, एक चोर दरवाजा, एक और वॉल्व लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है। उस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनिक वॉल्व या फुफ्फुस वाल्व बोलते हैं। पल्मोनरी शब्द ही जुड़ा हुआ फेफड़े से, तो पल्मोनिक वॉल्व। देखिए राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में खून आके इकट्ठा हो गया, अब जाए कहाँ? इधर उल्टा तो जा ही नहीं सकता क्योंकि दरवाजा बंद है, तो इधर का एक दरवाजा खुला हुआ है पल्मोनरी वॉल्व का, इधर से ब्लड जाएगा और ये ब्लड सीधा पल्मोनरी आर्टरीज से निकलेगा। ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। देखिए सारी धमनियों में, सारी आर्टरीज में शुद्ध ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है। कैसे? लेफ्ट वेंट्रिकल से रास्ता लेके ये पल्मोनरी आर्टरी तक गया, और ये पल्मोनरी आर्टरीज ने फेफड़े में पहुंचा दिया ब्लड को, क्योंकि जो हमारा हृदय है ना बिल्कुल हल्का सा बाएं साइड दोनों तरफ फेफड़ा है, तो इधर भी दोनों तरफ फेफड़े की तरफ इस पल्मोनरी आर्टरी मतलब पल्मोनरी धमनी के साथ फेफड़े में सारा ये अशुद्ध खून चला गया। अब वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर छोड़ दी,
नाक से, और उसके बाद जो ऑक्सीजन थी वो खून में लग गई। खून में लगने के बाद वो ऑक्सीजन अब एक दूसरी वहीं से हमारे फुफ्फुस में, हमारे फेफड़े में ही एक और नस लगी हुई है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन। उस पल्मोनरी वेन में अब शुद्ध रक्त इकट्ठा हो गया जो कि तैयार हुआ हार्ट में, वहाँ पे लंग्स में, और वहाँ से आ गया हमारे लेफ्ट आर्टरी में, मतलब तीसरे चैम्बर में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? तीसरे चैम्बर में। तीसरे चैम्बर में पहुँचते ही फिर एक दरवाजा था जैसा इधर था, ढप से नीचे गिर गया, नीचे आ गया, चौथे चैम्बर में आ गया। और इस वाल्व को, इस दरवाजे को बोलते हैं मित्रल वाल्व या बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व या मित्रल वाल्व, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही याद रखो, ठीक है? ठीक है, बाइकप्सिड वाल्व। अब ये तीसरे, अब चौथे में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक चोर दरवाजा था। जब सबसे आखिरी कमरे में सारा शुद्ध खून पहुँच गया तो वहाँ पे एक और साइड में एक वॉल्व है, वो वॉल्व रास्ता बना रहा है किसमें? एरोटा में। एरोटा उस वो पूरा जो शुद्ध खून है अब उस रास्ते के तहत एरोटा में पहुँच गया, मतलब हमारी महाधमनी में, और वही महाधमनी फिर सारे रक्त को हमारे शरीर तक शुद्ध रक्त को पहुँचाती है सीधे सीधे। एक बार फिर से दिखा दूँ अच्छे से आपको, आपको मैं फिर से जो मैंने बताया है ना अभी वो मैं आपको डायग्राम के तहत बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने लिखना भूल गया था कि जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन थे? विलियम हार्वे, ठीक है ना? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने ही हमारे हार्ट को पंपिंग मशीन ऑफ आवर बॉडी बोला था, ठीक है? अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारे हार्ट मान लो है मोटी मोटा, ठीक है? ये हमारा हार्ट है, इसमें यहां से यहां से ये वैनकोवा है ना, जो महाशिरा है, वैनकोवा ने पहला चैम्बर दूसरा है इस अर्ट्रियम में, पहला चैम्बर अर्ट्रियम में आए, राइट अर्ट्रियम में, ठीक है? और यहां पे ये आपका ट्राइकप्सिड वाल्व है, इसके तहत ब्लड सारा नीचे आ गया, सारा नीचे आ गया ना। और फिर यहाँ पे एक और वाल्व था जिसे हमने क्या बोला था? पल्मोनरी वाल्व। यहाँ जो रक्त पहुँचा अशुद्ध रक्त, वो सीधे इस वाल्व के सहारे पल्मोनरी धमनी के तहत फेफड़े में चला गया, ठीक है? फिर फेफड़े में जाके शुद्ध हुआ, और शुद्ध होके वहाँ से यहाँ से इस तरफ से क्या बन के आया? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा से वो शुद्ध जल, वो शुद्ध रक्त आपका लेफ्ट अट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचा। यही आपका एक सर्कुलेशन सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले अशुद्ध रक्त यहाँ आया राइट अट्रियम में, यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है? नीचे गिरने के बाद साइड में वॉल्व था, वो उस वॉल्व को बोलते पल्मोनरी वॉल्व, है ना? रक्त उल्टा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वॉल्व लगा हुआ जिसे बोलते ट्राइकप्सिड वॉल्व। यहाँ से होके सीधे ये हमारे लंग्स तक पहुँचा, किसके माध्यम से? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। वहाँ लंग्स में क्लीन हुआ, ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन लगते ही वो रक्त भर गया किसमें? पल्मोनरी वेन्स में, मतलब फुफ्फुस या पल्मोनरी शिराओं में। और उसके बाद फिर लेफ्ट आर्टरी तीसरे चैम्बर में पहुँचता है, फिर वहाँ से वाल्व के रास्ते चौथे चैम्बर में, और फिर वहाँ से जो एक और चौथा वाल्व था वो उसको एरोटा के माध्यम से बाहर हमारे शरीर तक पहुँचाने के लिए तैयार कर देता है। इसमें भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा इसे अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये देखो, ये दिखाता हूँ, इधर देखो, ये है देखो, और समझो, ये हमारा दायां आलिंद है, ठीक है? यहाँ ब्लड आया नीचे, ये देखो हमारा, ये हमारा वॉल्व है, है ना? इस वॉल्व के से नीचे आपको ब्लड ब्लड आया, और फिर बगल में देखो ये वॉल्व है ना, पल्मोनरी वॉल्व, इससे रास्ता बनाते हुए वो कहाँ चला गया? फेफड़े में, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वहां से शुद्ध होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त लेके आई तीसरे चैम्बर में, फिर नीचे इस वाल्व के सहारे चौथे चैम्बर में पहुंचा, और बगल में जो एक एरोटा वाला वाल्व था उसके सहारे हमारे शरीर के महाधमनी में, जो अंदर से निकला हुआ है, ये निकल के हमारे सर्कुलेशन सिस्टम, हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है? छह चीजें हैं। इस सिस्टम में हमारी छह चीजें हैं। छह चीजें क्या हैं इस सिस्टम में? छह चीजें कौन कौन सी? देखो, इस सिस्टम में छह, पहली चीज है वेनकेवा महाशिरा, दूसरी चीज है पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी, फिर हमारे चार चैम्बर हैं, और फिर इधर आपके हमारी पल्मोनरी वेन्स है महाशिरा। अब इसमें क्वेश्चन कहां कहां से क्या क्या आता है? सबसे पहले जो हमारी महाशिराएं हैं, जो हमारी ये हमारी जो
महाशिरा मतलब कि वैनकोवा, इसमें सबसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही रहेगा हमेशा, हमेशा डीऑक्सीडेटेड। मैं बार बार समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो, आपको ध्यान देना। जहाँ जहाँ नीला रंग है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जहाँ रेड रंग रंग है वहाँ आपका सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले इन शरीर से सारी पूरे शरीर के हिस्सों से ये शिराएं जो हमारी हैं ये रक्त लेके आई पहले चैम्बर में, पहला चैम्बर राइट एट्रियम, यहाँ ब्लड पहुँचा। इसका काम सीधे से रिसीव करना, रिसीव करते नीचे छोड़ दिया, इसीलिए जो निचले हिस्से होते हैं ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऊपरी हिस्से ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनका काम होता है सिर्फ ब्लड लेना। नीचे पहुँचते ही ये हिस्सा बहुत मोटा होता है बिकॉज ब्लड वापस नहीं जाने देता है। ब्लड अगर उल्टा जाने लगता है ना तभी बोलते हैं वाल्व खराब हो गए हैं, बोलते हैं ना वाल्व की डिजीज होती है, वाल्व खराब होने लगते हैं। ब्लड अगर उल्टा जाने लगा तो काम खराब हो जाएगा, आगे की ओर बल आगे आगे हमारे फेफड़ों में रख जा नहीं पाएगा, उल्टा ही बैक मारने लगेगा, इस वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन होने लगती है। तो दूसरे पॉइंट पे जब राइट वेंट्रिकल में हार्ट खून पहुंच गया तो यहाँ बगल में एक पल्मोनरी या पल्मोनिक वाल्व होता है, उसके रास्ते ये रक्त पहुँचता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी। इसके ये पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, इसका काम है कि जो इम्प्योर ब्लड है इसको लंग्स तक पहुंचा दो। लंग्स तक एक बार पहुंचा दिया उसके बाद शुद्ध हो गया जो रक्त, तो वो पहुंचा कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स में। कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स का काम हुआ कि तीसरे चैम्बर तक इस साफ सुथरे खून को पहुंचाओ, और फिर धड़ाक से नीचे वाला पहुंचा चौथे चैम्बर में, और यहाँ से चौथे चैम्बर के बगल में एक वाल्व लगा हुआ है जो कि सीधे कनेक्टेड है अरोटा से, और अरोटा में जब शुद्ध रक्त पहुँचता है तो सारे शरीर की सारी हमारी ब्लड कैपिलरीज में वो रक्त पहुंचाते हैं, और उस तरह से हमारी सारी एक्टिविटी डन अप हो जाती है। अब देखिए इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारी धड़कन का निर्माण होता है। हमारी धड़कन सुने ना, डुब लुब डुब लुब, हमारी धड़कन जो पहली आवाज़ होती है वो दूसरी डुब दूसरी लुब। अब उसमें क्या, पहली धड़कन कब आवाज़ कब आती है, जब देखिए ये ट्राइकप्सिड वाल्व और इधर ये मिट्रल वाल्व, मतलब बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड जब वाल्व बंद होते हैं तो पहली आवाज़ आती है धड़कन की, और जब पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व बंद होते हैं तो आती है दूसरी आवाज़ आती है धड़कन की। दोनों आवाज़ों से मिलके हमारी धड़कन बनती है, डुब 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 ऐसे ना, ये पहली आवाज़ को लुप डुब एक धड़कन, लुप डुब एक धड़कन, लुप डुब। तो लुप कब होगा, जब ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड या ट्राइकप्सिड या मिट्रल वाल्व क्लोजअप होंगे, और दूसरी आवाज़ कब आएगी धड़कन की, जब दूसरे पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व हमारे बंद होंगे। तो मतलब क्या, वाल्व से हमारे धड़कनों की आवाज़ क्लियर होती है। चार वाल्व चार चैम्बर और प्रमुख महाशिराएं महाधमनी, ध्यान देना, महाशिराएं इम्प्योर ब्लड, महाधमनी प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड हो, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी वेन जिसमें प्योर ब्लड हो वो पल्मोनरी वेन। तो मतलब ये पल्मोनरी जिसके आगे लग गया वो जस्ट अपोजिट काम करती हैं, वैसे तो सारी जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड लेती हैं लेकिन उसके आगे पल्मोनरी लग गया इम्प्योर ब्लड। सारी सिराएं इम्प्योर ब्लड ही लेती हैं लेकिन पल्मोनरी लग गया तो प्योर ब्लड लाएगी, दैट्स ऑल। बहुत ही आसान सा सिस्टम है ये, समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइड कर करके देखिएगा, फिर भी कोई समस्या लगेगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।